पिछले चार साल में खास तौर पे भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ये रिलेशनशिप से पार्टनरशिप में चला गया है और काफ़ी एरियाज़ में इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। उसके साथ भारत में जॉब्स क्रिएट होंगी, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मुझे ये आशा है कि इस माहौल में अमृतसर इसको मिस ना कर जाए और जो अपॉर्चुनिटीज़ देश में आ रही हैं वो अमृतसर में भी पहुँचे। जिस तरह से अमृतसर में ऑलरेडी 1,00,000 टूरिस्ट आता है और कई होटल चेन्स, विदेशी होटल चेन्स भी हैं, हम चाहेंगे कि वो विदेशी होटल चेन्स जो हैं वो वहाँ के बच्चों को ट्रेन करके वहाँ जॉब्स दें। उसी तरह कई और चीज़ों में जैसे पत्थरनाक, नाशपातीज, गोभी, मटर, ये ऑलरेडी अमृतसर में ग्रो होते हैं। अगर इसका लिंक आपने अभी रिसेंटली देखा कि जब प्रधानमंत्री यूएई गए, एक अग्रीमेंट साइन हुआ, एक कॉरिडोर बन रहा है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो उसका लाभ अगर अमृतसर की सब्जियां और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, बहरीन तक पहुँचे तो शहर को बहुत लाभ होगा। सर, विदेश नीति में आई है, ऐसे में क्या आने वाले दिन में, चूँकि अब लोकसभा चुनाव है, तो यही प्रश्न बनता है कि क्या आप कंटेस्ट करेंगे और कंटेस्ट करेंगे तो क्या रहेगा? देखिए, वेदर मैं कंटेस्ट करूँ या ना करूँ वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन मेरे होम टाउन अमृतसर में बहुत अपॉर्चुनिटी है बड़ा कुछ करने के लिए।